जा रहे हैं कराची। क्या बात है जनाबे अली, अभी ये गाड़ी की धुलाई वुलाई चल रही है और पूरा ट्रैवल हम करने वाले हैं। क्या ये गाड़ी कंफर्ट है या नहीं, ये सारी बातें आज आपको पता चलेंगी। कोयटा से कराची हम जा रहे हैं, जबले नूर बस टर्मिनल कोयटा। ओ तेरी 140 की स्पीड, ये पुराना टोयोटा का डब्बा बहुत ही तेज भाग रहा है। टांगे सीधी हो नहीं रही मेरे भाई, वाट लग चुकी है हमारी। और जिन लोगों ने यूट्यूबरों ने अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाइक सब्सक्राइब लिए ना, उन पे तो ये है। ये लाइटें जल रही हैं, सर में दर्द हो गई है यार। क्या है यार, और इसके काम देखो यार, क्या देख रहा अभी, क्या हो गया पाँव भाई है, दर्द हो रही है आँखों में दर्द हो रही है, लाइट बंद करा। वो यार इतना थोड़ी लगता जो बंद करेगा। लिमोजिन कार वालों ने पट्टा करा दिया मेरे भाई। ये देखो यार, ये क्या है यार, ये सीटें देखो यार, ये इधर मेरी। इधर तो सर्दी कोटा से भी ज्यादा है आज, थोड़ा कम है यार। हाँ, ये कम है। ये है मेरे भाइयों लेमोजिन बस, जो कराची में एक ये लग्जरी बस, और इसमें हम जा रहे हैं कोयटा नहीं, इसमें हम जा रहे हैं कराची। क्या बात है जनाबे अली, अभी ये गाड़ी की धुलाई वुलाई चल रही है और पूरा ट्रैवल हम करने वाले हैं। क्या ये गाड़ी कंफर्ट है या नहीं, ये सारी बातें आज आपको पता चलेंगी। कोयटा से कराची हम जा रहे हैं जनाबे अली। क्या बात है इस बस की। और आज जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ, इसमें बैठ के रिव्यू बना रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अब तक रिव्यू बनाए वो खाली रिव्यू बनाते और कल्टी हो जाते हैं और सारी बातें बस के बारे में नहीं बताते। वो तब ही पता चलता है जब इंसान इसमें ट्रैवल करता है कि कितना कम्फर्ट है, क्या इंसान थका, क्या सहूलतें दे रहे हैं, क्या स्पीड है, क्या सर्विस ये दे रहे हैं जनाबे अली। ये सारी बातें आज हम आपको इसी व्लॉग में बताने वाले हैं। ये देखिए जनाबे अली, क्या बात है यार इस बस की। जबले नूर बस स्टैंड, हम कोयटा से कराची 2000 में जा सकते थे जैसे हम कराची से कोयटा आए थे, लेकिन हमें चुल थी कि हमने लेमोजिन कार में ही सफ़र करना है। ये है मेरे भाइयों लेमोजिन की 1x1 सीट, जिसकी टिकट है 5000 रुपये, सिर्फ एक ही बंदा इधर फिट आता है। छपा नहीं लिया आपने? और ये दो बंदों के लिए सीट है जो नीचे की है, इसकी भी टिकट 5000 है। टांगे सीधी हो रही है आपकी? बताओ जल्दी पूछ लो उनसे। नहीं भाई, टांगे सीधी हो रही है? नहीं है, कुछ नहीं हो सकता भाई। नहीं है यार, इतनी इजी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अबे भाई वही थी सही यार। हाँ तो मेरे भाइयों, ये आप देख रहे हो ये लेमोजीन का नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे फ़ोन भी लगा हुआ है, LCD लगी हुई है, चार्जिंग पोर्ट लगी हुई है, दो बंदों के लिए ये सीट है। लेकिन ये मेरे भाइयों कंफर्ट दिखने में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप डड्डू बन के बैठेंगे, आपकी कमर बिल्कुल भी सीधी नहीं होगी और हीटर इसमें लगा हुआ है। और अभी हम आपको दूसरा क्रूज केबिन खोल के दिखाते हैं, जो कि आप बिल्कुल भी सीधे होके नहीं लेट सकते, ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लीजिएगा। और ये LCD अगेन वही वाईफाई टेलीफोन लगा है, जो किसी काम का नहीं है। और बाकी ये चार्जिंग पोर्ट फ़ोन चार्ज करने के लिए, लेकिन आप सीधे इसमें नहीं लेट सकते और इसकी टिकट है 5000 रुपये। क्योंकि मैं पहले लेटा हूँ और लेट के मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये जितनी दिखने में सीधी लग रही है इतनी सीधी है नहीं। 2 से 3 घंटे सफ़र करने के बाद आपकी कमर की टाइट टाइट फिश हो जानी है, आपकी कमर दर्द होना शुरू हो जाएगी। हम दो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं कोयटा से कराची और हमने 4000 रुपये दी है इस बस की टिकट। बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, पानी फ्री में मिलता है। अभी हम आपको ऊपर वाली सीटें दिखा रहे हैं जो दो बंदों के लिए है और आप फंस के यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। LCD लगी हुई है और टूटा हुआ हैंड फ्री भी मैंने यहाँ पे देखा है। और ये देखिए जनाबे अली, अगर आप मोटे बंदे तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैवल इजीली नहीं कर सकते और आप डड्डू बन के इसमें ट्रैवल करेंगे। जो ऊपर वाली सीटें वो कम्फर्ट नहीं है, नीचे वाली सीटें मेरे भाइयों फिर भी कम्फर्ट है और गाने वाने सुनते हुए आप इजीली यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो। 2x2 सीट पे ये अकेला बंदा बैठा हुआ है और मैं आऊँगा तो क्या होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे की सीटें मुझे ऊपर की सीटों से कंफर्ट लगी हैं, क्योंकि सिंगल सीटें और लंबी हैं, थोड़ी सी लंबी, इसलिए आप नीचे वाली सीट लीजिएगा जब भी आप आ रहे हैं और इसकी टिकट है 5000 रुपये। TV लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, बस चल चुकी है हमारी मेरे भाई। हैंड फ्री भी लगे हुए हैं सारे, ये हैंड फ्री हैं, रिमोट कंट्रोल है, जो मर्जी फिल्म देखो, कंबल चंबल सब पड़े हुए हैं भाई, क्या बात है यार। ये हमारे भाई भी हैं भी कराची के और हम ऊपर चढ़ चुके हैं। ऊपर वाली सीट है 4000 रुपये की, लेकिन नीचे वाली सीट जो है वो ज़्यादा कम्फर्ट है, उसके प्राइस है 5000 रुपये।
और इस भाई को तो आप जानते हो, हमेशा ये मेरे साथ होता है, मैं जिधर जाता हूँ भाई टांगे वांगे सीधी होगी, मसला कोई प्रॉब्लम अभी नहीं तक हो नहीं हो रही। क्या ये भी है? मतलब टांगे सीधी नहीं हो रही या कम्फर्ट हो क्या है? उठा लेंगे। मतलब ऊपर वाली सीट कम्फर्ट नहीं है अभी तक, चलेगी तो पता चलेगा क्या कांड होने वाला है। और क्या क्या सोलते मिल रही है रिजवान भाई, जरा बताना चार्जिंग पोर्ट किधर लगी हुई है? पोर्ट बंद है, नहीं चल रहा है वो, ये सब क्या है? क्या ये अबे क्यों तुम चे बना रहे हो बे, पागल वागल हो गए हो क्या भाई? अबे तुमने सीढ़ी लगा हुआ है फुल इतना बड़ा, उसकी सीट भी डड्डू है। ये हैंड फ्री है मेरे भाइयों, एक काम नहीं कर रहा, एक चल रहा है वो भी बहुत स्लो आवाज है, और हैंड फ्री तो नंबर जीरो। थोड़ी देर के लिए मैं बस वाले के पास आके आगे बैठ गया, और ये टोयोटा का डब्बा है जो बहुत ही तेज़ भाग रहा है, 120 140 पे तो हम जा रहे हैं, वो कम से कम 120 पे टोयोटा भगा रहा है, क्या बात है जनाब अली। और ये भाई जो है फ़ोन पे बात करते हुए मुसलसल 140 के ऊपर बस भगाते जा रहे, मैं तो इनका कांटा देख के हैरान परेशान हो रही हूँ। अभी हम आपको अल मुनीर के ड्राइवर की करतूतें दिखाने वाले मेरे भाइयों, जो शायद बाज लोगों को पसंद ना आए, आप ये देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि मुसलसल आधे घंटे से ड्राइवर साहब जो हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अगर इनके ओनर या अल मुनीर वाले देख रहे हैं तो इस ड्राइवर साहब को बोलें कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपके पीछे हज़ारों कीमती जानें बैठी हैं। भाई मेरा और रिजवान का ना पट्टा हो गया, ये अपनी सीट पे बैठा नहीं है, और इसका भी वजन देखो, ये कहता है मैं मोटा, अभी मोटा तो ये यार, ये देखो यार, फिर ये मेरी सीट पे आया और मेरे को लेट नहीं दे रहा, पहले इतनी सीटें कंजस्टेड है और हमारा दोनों का पट्टा हो गया, कि लेमोजिन कार वालों ने पट्टा करा दिया मेरे भाई। ये देखो यार, ये क्या है यार, ये सीटें देखो यार, ये इधर मेरी सीट है, मैं अपनी सीट पे फिट नहीं आ रहा, और पहले ही मेरी थोड़ी सी सीट बची है वो आधी से भी ज़्यादा, ये भाई सीटें ले रहा है, ये देखो यार क्या करें यार। कुछ ही मिनटों के बाद हमें पता चला कि भाई साहब का तो कांटा ही खराब है, ये तो 120 पे जा रहे हैं, टांगे सीधी हो नहीं रही मेरे भाई, वाट लग चुकी है हमारी। और जिन लोगों ने यूट्यूबरों ने अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाइक सब्सक्राइब लिए ना, उन पे तो ये है, इसमें बैठो ट्रैवल करो फिर पता चलेगा ये लेमो है क्या। ना टांगे सीधी हो रही है, ना सीटें कम्फर्ट है, और खुदा का वास्ता यूट्यूबरों कुछ तो खुदा का खौफ करो, सच बोला करो, सिर्फ चंद लाइक और सब्सक्राइबर के लिए ना तुम आवाम की माँ बहन कर देते हो। मजा आ रहा है ये देखे भाई, मेरे भाइयों जो नीचे वाली सीटें हैं ना उनको कुछ दिखता विकता नहीं है, फ़ोन उन्होंने ऐसे लगाया हुआ है कि जैसे हम वेटर को फ़ोन करेंगे और वो चलती गाड़ी में हमें बिरयानी कोरमा कढ़ाई और कोल्ड ड्रिंक देने आएगा। अबे भाई ये खान साहब हैं, ये गाड़ी वाड़ी नहीं रोकते और फ़ोन तो लगा हुआ है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, गाड़ी रोक के पानी देने तो कोई नहीं आने वाला भाई, ये कोटा से कराची सिर्फ दो ही बार रुकती है, और फ़ोन निकालो वो तोड़ दो। ये है मेरे भाइयों लैम्बोजिन कार, जिसकी बहुत ही तारीफ़ें की हैं यूट्यूबर ने, खुद तो उन्होंने इसमें सफ़र किया नहीं है मेरे भाई, और लाइक और सब्सक्राइबर के चक्कर में इन्होंने इसका गलत रिव्यू दे दिया। और आपका भाई जो है वो कोटा से कराची जा रहा है लैम्बोजिन बस में, आप यकीन करें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा मेरे भाई। मैं अल यूसुफ में आया था, वो ज़्यादा ज़बरदस्त थी और शानदार की बस थी, उसमें टांगे सीधी हो रही थी, बिल्कुल कम्फर्ट थी, ये डड्डू बन के हम इसमें बैठे हुए हैं, यार मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन भाई बिरयानी इनकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, ऐसा लग रहा था किसी कराची के शेफ़ ने बनाई है। और अभी यहाँ पे नमाज़ टाइम हुआ है, जिसने कुछ खाना पीना है, नमाज़ करनी है, सुसु वसु करना है, तो वो बंदा ये कर सकता है। और अभी हम पहुँचे हैं सोराब पे, और मुंह से धुएं निकलने जनाबे अली, और ये एक और बस आके नाजरीन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। और जो लोग लेमो में सफ़र अभी तक नहीं किए, और भाई ये मेरी वीडियो देख लो फिर सोच लेना कि इसमें आना है या नहीं आना। भाई कोयटा में तो मुँह से धुएँ निकल नहीं रहे थे, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, और आप ये देखें यहाँ पे आके हमें ठंड की थोड़ी सी फील हुई है, और मैं कराची वाला लोंडा बन रहा हूँ, ये देखो कुछ नहीं पहना हुआ आपके भाई ने, कोई जैकेट वैकेट नहीं है मेरे भाइयों, और सारी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। मेरे भाइयों दूसरी एक मूवर आई है जनाबे अली, इसको भी ब्रेक टाइम हुआ है, क्योंकि तीन घंटे से हम बस में बैठे हुए थे, आधे हो गए थे यार, डड्डू बन के बैठे हुए थे। और ये जनाबे अली हमारी लेमो यार, ये लेमो देखो बस, सर्दी पहले तो लगी नहीं थी मेरे भाइयों, अब लगना शुरू हो चुकी है, ये देखें
लैमो। हाँ तो मेरे भाइयों, जब लैम्बोजिन रोड पे चलती थी तो मेरा दिल करता था मैं लैम्बोजिन में ट्रैवल करूं, और ये सपना आखिरकार मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन ये सपना ही रहा है अभी तक, क्योंकि मज़ा मेरे भाइयों बिल्कुल भी नहीं आया। ये रोड पे चलती हुई ही दिखती है अच्छी, वैसे इसके अंदर बैठो तो कम्फर्ट नहीं है यार, बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं है। मैं वेरी 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 डिसहार्ट हो गया हूँ, इंग्लिश कुछ ज़्यादा हो रही है मेरे भाइयों। मिस्टर रिजवान जो मेरे साथ आए हैं, खुद ही अकेले खाते पीते हैं। मैं अगर वीडियो बनाने में लग जाता हूँ तो ये खुद ही केक, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्कुट, मीठा सब अकेले खा लेते हैं। और ये जो भाई है ना, ये अकेले अकेले पार्टी कर रहे थे। ये देख लो यार, ये देखो, ये खुद कह रहा है। और ये है दोस्त हमारा, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई किस तरह का है। खान साहब चाय लेके आया था, वापस लेके जा रहा था वो भाई। ये क्या चल रहा है यार इधर, क्या ये, व्हाट इज दिस भाई। 2023 में हम बस में बैठे थे और 2024 में हम कराची पहुंचेंगे। एक साल हो गया ट्रैवल करते हुए। खान साहब की चाय पी के बताते हैं कैसी है चाय। अच्छी भाई, मज़े की है, अच्छी चाय। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये देखो, ये दो भाई हैं यार। इस जगह क्या नाम है, सोराब। इधर तो सर्दी कोटा से भी ज़्यादा है आज, थोड़ा कम है ये कम है तो ज़्यादा क्या होती है। नहीं नहीं सर्दी ये मुंह से धुएं निकलने तो कोयटा में धुएं नहीं निकल लेते मुंह से, यहाँ पे धुएं निकल ले। और ये तुम्हारी चाय बहुत जबरदस्त थी, क्या तुम टिकटॉक बनाते हो लाला? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नसीबुल्ला। नसीबुल्ला टिकटॉकर हो तुम? हाँ। अपने टिकटॉकर का पूरा नाम पता बताओ। नसीबुल्ला इनके। भाई ये नसीबुल्ला भाई है, ये कलात में कहाँ रहते हो यार तुम? कहाँ अब कोयटा में रहते हो तो तुम फार्मर में क्या कर रहे हो? कौन सी जगह ये? अबे ये कौन सी जगह जहाँ तू खड़ा भाई? सोराब है भाई। हाँ ये सोराब में खड़ा है ना। हाँ। भाई ये अभी हम इस वक्त हैं सोराब में। सोराब में सर्दी बहुत ही ज्यादा है, और ये भाई कोयटा में रहता है और टिकटॉकर है। दोबारा बता नाम पता टिकटॉक का। नसीबुल्ला इनके। अबे नस्वार तो निकाल ले मुझसे यार। नस्वार हमारा सिंपल है, नस्वार के बिना तुम जिंदा नहीं रहेगा। अरे यार लाला, और लाला तुम क्या करते हो? काम करते हो बल्ला, फुल चिल मॉल मजे। ये बसे देख रहे हो तुम, लेमो देख रहे हो, पब्लिक आती जाती ताड़ रहे हो, जबरदस्त। ये भी बहुत अच्छा काम है, बहुत ही ज्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई इस सफर को। नहीं चाय पिए, इस सड़क पे, इस हाईवे को एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे भाइयों सर्दी यहाँ पे कमाल की है। और आपके भाई ने कुछ नहीं पहना हुआ, और अभी अलमुनीर वाला हॉर्न मार रहा है पा पा पा। अच्छा एक तो इसने पा पा कर करके ना दिमाग की माँ बहनी कर दी है, इतने पा पा कर रहा है नींद भी नहीं आ रही। और ये स्लीपर है, स्लीपर के पुर्जे भी ले गड़गड़ गड़गड़। अब भाई इसने सारी रात हमें सोने नहीं देना यार। ये देखे जनाब अली हमारा वेट कर रही है, लेमो और उधर एक मूवर। लेमन है ये, लेमन। हाँ तो मेरे भाइयों, इस बस ने हमें उतार दिया सदर सुबह 6:30 बजे, और रक्षे भी यहाँ पे आके लग चुके हैं। और लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा और सारा एक्सपीरियंस मैं आपको फ्रेश हो के शेयर करता हूँ। ये देखे जनाबे अली, ये सदर का एरिया है, और 6:30 बजे ने बहुत ही टापो टाप ये लेके आया है। आप ये देख सकते हैं जनाबे अली, क्या बात है यार। लेकिन इसकी जो सीटें ना भाई नीचे वाली वो कम्फर्ट है, जो 5,000 की सीट है वो कम्फर्ट है, लेकिन जो डबल सीट है वो थोड़ी सी कंफर्ट नहीं है। वो इसलिए कंफर्ट नहीं है कि अगर दो मोटे मोटे लोग बैठ जाएं तो वो फंस के ट्रैवल करते हैं, और अगर पतले पतले लोग हैं तो ऊपर वाली सीट आपके लिए बेस्ट है। फाइनली मेरे भाइयों हम कराची उतर गए, और यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। बस थोड़ा सा कंजेस्टेड था क्योंकि 2x1 की ये सीट थी और हम डबल सीट पे थे, मतलब मेरे साथ मोटू, और मेरा भी वज़न कुछ इतना ज़्यादा पतला नहीं है, लेकिन उस मोटू से तो मैं थोड़ा सा पतला ही था, तो थोड़ा फंस के आए। बस इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि वो जो मेरे साथ बंदा था वो तो कभी किधर कल्टी मारता था, कभी किधर कल्टी मारता था, तो मैं परेशान हो गया। अगर आप दो पतले पतले लोग हैं तो 2x2 में आप इजीली सफ़र कर सकते हैं। अभी हम चाय के होटल पे बैठ गए, थोड़ी सी दिन हो जाए फिर हम घर को निकलेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि रास्ते में कुत्ते पड़ जाएं। आप समझ रहे हो ना, कराची में कुत्ते बहुत ही ज़्यादा हैं, कभी भी कोई भी आ जाए आपका बैग, आपका सामान छीन के भाग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय पीऊँगा, अंडा पराठा खाऊँगा, फिर 1 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर जाऊँगा। और नीचे वाली सीट कम्फर्ट है, वो 5,000 की, उससे नीचे वाली सीट जो है
वो भी थोड़ी सी कंफर्ट है। तो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बस भी ड्राइवर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की चलाई है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक 70% बेहतर रहा है और मज़ीद अच्छा हो सकता था अगर हैंड फ्री, वो जो हैंड फ्री थे कानों में लगाने वाले उनकी तारे वारे टूटी हुई थी और टीवी का जो रिमोट था वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, छोटे छोटे मसले थे। बाकी ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।